ये जो पंजबख्तर बंदर की पार्किंग का मसला है, इसमें जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कोई लेना देना नहीं है। और ये मंदिर की ज़मीन है, हजारों सालों से, कई सालों से जब से मंदिर का निर्माण हुआ है, राजा महाराजाओं के टाइम के दी हुई है, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। इसमें कोई पार्किंग बनाने का नहीं है। ये और जो एजेंसीज हैं, जो JDA है या कोई और नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका कोई है मूव है बनानी नहीं बनानी। लेकिन हमने आज, मैंने अपने कमिश्नर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को निकाल बोल कर, कल से बोल रहा हूँ, लेटर भी निकाल दिया है और सारे मीडिया में सारे भेज दिया है। तो मैं यही करूँगा, कहूँगा कि मंदिर हमारा है, मंदिर की ज़मीन हमारी है, हम लोग भी मंदिर से जुड़े हुए हैं, हमने सारी उम्र मंदिरों के लिए संघर्ष किया हुआ है, सनातन में हम लोग पैदा हुए हैं। लेकिन ये बीइंग ए पॉलिटिकल, आज इलेक्टेड आदमी, इंस्टीट्यूशन हेड मैं ही हूँ, और बिला वजह इसके ऊपर वो ये बात कह रहे हैं कि JMC वो बना रही है पार्किंग। कोई लिए दिए ना, हमने कोई टेंडर किया है, ना हमें पता है, ना हमारी ज़मीन है, ना हमने कभी ज़मीन का क्लेम किया है। जिस इंस्टीट्यूशन ने इसको किया है उसके साथ बात करनी चाहिए। तो हमने आज स्पष्ट कर दिया है सारे मीडिया को, लेटर के मदद द्वारा, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी। और मैं यही चाहूँगा कि आने वाले समय में यहाँ पार्किंग नहीं बढ़नी चाहिए, या हम मंदिर की ज़मीन को किसी को हड़पने नहीं देंगे। आज से बहुत साल पहले भी कई अटेम्प्ट यहाँ पे हुए ज़मीन की, इस ज़मीन को लेकर। तो मेरी एक बार जम्मू वासियों से यही अपील है, आप भी इसकी प्रोटेक्शन करें, हम भी इसकी प्रोटेक्शन करें।